नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के राम तीरथ के नजदीक खेत में से एक नौजवान की सिरकटी मिली लाश, पुलिस जांच में जुटी। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने हनी ट्रैप के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़, तीन महिलाओं सहित एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। माहिलपुर के चावला क्लॉथ हाउस की दुकान के बोर्ड पर मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों ने 12 राउंड किए फायर, 5 करोड़ की फिरौती की मांग। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर के राम तीरथ पुलिस थाना लोपोके के अधीन आती पुलिस चौकी राम तीरथ से खासा रोड पर पड़ते गांव कलेर में नए बने पुल के नजदीक खेतों में एक नौजवान की लावारिस लाश मिली है, जिसका सिर कटा हुआ था और हाथों पर भी कट के निशान है। इस मौके पर एसएचओ थाना लोपोके के इंस्पेक्टर बलकार सिंह और चौकी इंचार्ज एएसआई पुरुषोत्तम लाल ने बताया कि मृतक नौजवान की उम्र 25 से 26 वर्ष के करीब है और उसकी दाई बाजू पर कुछ बना हुआ था, जिसे कातिलों द्वारा तेजाब डालकर जलाया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा के नेतृत्व में जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने हनी ट्रैप के जरिए लोगों से पैसे ऐंठने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस कमिश्नर ने जानकारी देते हुए बताया कि ये गिरोह लोगों को होटल के कमरे में बुलाकर रिकॉर्डेड वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। स्वपन शर्मा ने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस पार्टी ने जालंधर के नंगल श्यामा चौक के पास जाल बिछाकर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आगे उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रीत कौर निवासी अमरीक नगर जालंधर, अमन निवासी अमरीक नगर जालंधर और मोहिनी निवासी अमरीक नगर जालंधर के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि आरोपी महिलाओं के खिलाफ थाना रामा मंडी जालंधर में आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। स्वपन शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की अभी तक कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं मिली है, तो वहीं जांच के आधार पर यह भी पता चला है कि एक अन्य अपराधी बस्ती बाबाखेल जालंधर का निवासी धर्मिंदर गिल भी इस अपराध का हिस्सा था। उन्होंने बताया कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, जिसके लिए टीमें गठित की गई हैं। मामले की आगे की जांच की जा रही है और विवरण बाद में साझा किया जाएगा। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मिति 9/24 एक इन्फॉर्मेशन मिली सी कि भी 4-5 व्यक्ति टोटल है, 5 ने जिन्हों के 2 मेल्स है जिन्हों के नाम करमवार धर्मिंदर ते रिशभ और 3 फीमेल्स है जिन्हों के नाम करनवार मोहनी प्रीत कौर ते अमनदीप और ये 5 जने जड़े है ये रल के एक गैंग चलाते हैं, एक क्रिमिनल गैंग है जिहड़ा कि ये लड़कियां ने यह आम भोले भाले लोगों लव अफेयरस का झांसा दे के उन्होंने एक प्राइवेट रूम के लै जांदियां ने, तो उत्थे ले जा के उस लड़क उस भोले भाले आदमी के नाल ये छेड़छाड़ का जड़ा है वा आरोप लाउंदियां ने, एक वीडियो बनाउंदियां ने, तो जेडे इन्हां दे दूसरे साथी हैगे ने जेडे कि मेल साथी ने धर्मिंदर ते रिशभ इन्हां नूं इह उस जगह दी एक लोकेशन भेज के उस मौके ते बुलाउंदे ने, तो बाद दे विच जदों उह आ जांदे ने तां फिर इकट्ठे हो के उह व्यक्ति दे उत्ते आरोप लाउंदे ने कि इस व्यक्ति ने साडे नाल छेड़छाड़ कीती आ, ते उस व्यक्ति नूं उहदी इज्जत दा खतरा पा के कि इस चीज़ नूं असीं वीडियो नूं जिहड़ी ब्लैकमेलिंग करांगे, तो डर दे विच पा के जोर जबरदस्ती उहदे तों जिहड़ी हैगी आ पैसों की वसूली वसूली करदे, जिहड़ी कि एक्सटॉर्शन जिहड़ी एक किस्म हैगी आ, तो जिहड़े इस गैंग नूं असीं इह काबू कीता हैगा वा, तो जिहदे विच असीं फिलहाल इहदे विच 4 जिहड़े हैगे ने 3 लड़कियां मोहनी प्रीत ते अमनदीप कौर अते जिहड़ा चौथा दोषी हैगा वा रिशभ उहनूं असीं जिहड़ा हैगा गिरफ़्तार कर लिया हैगा वा, जिहड़ा 5वां दोषी हैगा उहदी गिरफ़्तारी वास्ते जिहड़ा हैगा वा इह जिहड़ी हैगी आ छापेमारी जिहड़ी हैगी आ उह ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
माहिलपुर शहर के मुख्य चौक पर तीन मोटरसाइकिल सवारों द्वारा चावला क्लोथ हाउस की दुकान के बोर्ड पर 12 राउंड फायर कर 5 करोड़ रुपयों की फिरौती की मांग कर वारदात को अंजाम दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक हरजोत चावला जब दुकान पर मौजूद थे तभी तीन नकाबपोश व्यक्ति स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर हथियारों से लैस होकर दुकान पर पहुंचकर दुकान के बोर्ड पर 12 राउंड फायर किए, जिसके पश्चात एक व्यक्ति द्वारा दुकान में दाखिल होकर एक चिट्ठी देकर 5 करोड़ की फिरौती की मांग की। ये फिरौती सौरभ कौशल चौधरी ग्रुप द्वारा मांगी गई है, जिसकी स्लिप दुकान के काउंटर पर रखकर हमलावर फरार हो गए। वही घटना की सूचना मिलते ही थाना माहिलपुर के SHO रमन कुमार और थाना गढ़शंकर के SHO बलजिंदर सिंह मल्ली पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंच गए और स्थिति का जायजा लिया। तो वहीं इस वारदात को लेकर शहर के व्यापारी वर्ग में भारी रोष पाया जा रहा है। इस मौके पर SHO माहिलपुर रमन कुमार ने बताया कि CCTV कैमरों को खंगाला जा रहा है और जल्द ही दोषियों को काबू कर लिया जाएगा। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। मौका देखते पे जी, हजे कैमरे कुमरे चेक करते पे। इन्फॉर्मेशन दुकान तो फोन आया तो चौंक चाहे ड्यूटी मुंडा हुआ खड़ा, उन्हें दसिया अगर CCTV चेक कर रहे हैं हजे, वो तो फिर जो मिलता क्लू उस मुताबिक करेंगे कार्रवाई। नहीं, इन्होंने कैमरे खराब आ थोड़े। मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान की सरकार द्वारा लोगों को घरों के नज़दीक ही सरकारी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से की सरकार आपके द्वार मुहिम के तहत हर एक गांव में कैंप लगा रही है और निचले स्तर के लोगों तक सारी सरकारी सेवाएं उपलब्ध करवाने का यत्न किया जा रहा है, ताकि लोगों को अपने काम के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर ना लगाने पड़े। उक्त बात का प्रगटावा कैबिनेट मंत्री पंजाब हरभजन सिंह ईटियो ने आपकी सरकार आपके द्वार मुहिम के तहत गांव बेरियांवाला में लगाए गए कैंप का निरीक्षण करने के बाद किया। उन्होंने कहा कि इन कैंपों में लोगों को 43 प्रकार की सेवाएं मौके पर ही उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इन कैंपों का मुख्य उद्देश्य लोगों के समय और पैसे की बचत करना है। उन्होंने बताया कि कई गरीब परिवार इन सुविधाओं को लेने के लिए सेवा केंद्र तक पहुंच ही नहीं सकते थे। उन्हें ध्यान में रखते हुए ये सारी सेवाएं घर के दरवाजे तक उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि रोजाना प्रत्येक सब डिवीजन में अलग अलग जगहों पर कैंप लग रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग इन कैंपों का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग 1076 नंबर डायल कर घर बैठे ये सेवाएँ प्राप्त कर सकते हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अज असी जंडियाला गुरु हल्के पिंड पेरियाना दे विच आपकी सरकार आपके द्वार प्रोग्राम के तहत जिहड़ा कैंप लगाया, साढ़े वख वख विभाग जिहड़े ने उन्होंने अधिकारी साहबान इतने पहुंचे ने। लोग अपन वख वख तरह दी मुश्किलां जड़िया ने लेके आ रहे हैं और उन्होंने मौके पर निपटारा जरा किया जा रहा है। कुछ समस्यावान जड़िया योजना ने जिन्हों का इतने निपटारा नहीं हो रहा, उस बकायदा नोट कर रहे हैं और जिथे जिथे भी जिस लैवल से भी वह निपटारा है वो करा। साढ़े को जिते जल सप्लाई विभाग, हैल्थ विभाग, माल विभाग, बिजली बोर्ड, पेंशन वाला विभाग, अज काफ़ी मैनू इस गल की तसली आ कि काफ़ी साढ़े भैन भरा जिन्होंने बड़े लंबे समय तो जिन्हें कोई जन्म सर्टिफिकेट नहीं सके मिल रहे, कोई मौत सर्टिफिकेट नहीं सके मिल रहे, SC सर्टिफिकेट नहीं सके मिल रहे, वो सारा ही अमला फैला जरा वो इतने बैठा और उन्होंने मौके पर ही जड़े आ सर्टिफिकेट मुहैया करवाए जा रहे हैं। गत दिनों सिक्किम में चाइना बॉर्डर पर शहीद हुए सूबेदार सुखदेव सिंह की मृतक देह जंडियाला गुरु के नज़दीकी गांव पहुंचने पर सरकारी सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर शहीद की पत्नी बलविंदर कौर ने कहा कि उनके पति ने देश की खातिर लंबे समय तक मेहनत की है और देश की खातिर ही सारे काम किए हैं और अब वे देश के लिए कुर्बान हो गए हैं। तो वही मृतक शहीद सुखदेव सिंह के भाई मनिंदर सिंह ने कहा कि उनके भाई ने देश के लिए जान कुर्बान की है, जिस पर वे गर्व करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकार से 3 मांगे की हैं, जिसमें शहीद के बेटे को सरकारी नौकरी, गांव में शहीद की याद में यादगारी गेट और पंजाब सरकार द्वारा उनकी बनती सम्मान राशि देना है, ताकि पीछे परिवार अपनी जिंदगी बसर कर सके। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बाबा बकाला साहिब से आप विधायक दलबीर सिंह टोंग ने कहा
कि चंडियाला गुरु के नज़दीकी गांव जल्लूपुर खेड़ा के फौजी जवान सुखदेव सिंह सिक्किम में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए हैं। उनकी मृतक देह गांव पहुंचने पर फौज की टुकड़ी की ओर से सरकारी सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया है, जहां पहुंचकर वे अपनी तरफ से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और समूह आम आदमी पार्टी की ओर से इस दुख की घड़ी में शामिल होकर परिवार के साथ दुख साझा करते हैं। जंडियाला गुरु सिख हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। देखो जी, उन्होंने देश वास्ते जान वारती आ, बड तो शहीद होया, साढ़े नगर वास्ते भी पिंड वास्ते पहला शहीद आओ, चलो जाना तो सबना नहीं आ, पर उन्होंने देश कौम वास्ते कुछ करके गए आ, तो माण भी हुंदा सानू, तो बंदे का घाटा तो नहीं पूरा होना, भरा साढ़े ने तो वापस नहीं आना, पर उन्होंने सानू ये भी चंगा लगा भी शहीद सन्मान दिता गया, MLA साहब भी आए आ, होर भी आए आ, बड़ा वधिया लगा सानू सारे आए। साडियां जिहड़ियां इह मंगा, तीन प्रमुख मंगा साडियां, इन्हां नूं बेनतियां समझ लो। की मंगा ने? एक ते जी इन्हां दे बेटे नूं, साडे प्राची सूबेदार सुखदेव सिंह दे बेटे नूं सरकारी नौकरी दित्ती जावे। हाँ जी। ते दूजी एक यादगारी गेट बनना वा साडे नगर दे, ओह बनना चाहीदा। ते जिहड़ा पंजाब सरकार वल्लों जिहड़ी शहीद सहायता राशि जो भी आ ओह बणदी दित्ती जावे, मान सम्मान दिता जाए सरकारी। मुख्यमंत्री साहब नूं अपील आ कि वह भी आउण भोगते नगर ते, ते बनदा सत्कार देण साढ़े शहीद नूं। चीमे बाठ भी एक साढ़े देश की राखी करते नौजवान, जिन्हों की बदौलत असी रात नूं सुख दी नींद सोने। साढ़े पिंड जल्लूपुर का सरदार सुखदेव सिंह जी शहीद, जिहड़े कुछ दिन पहला शहीद हो गए, अज उन्हां दी अंतिम संस्कार ते उन्हां दी पलटन की पूरी टुकड़ी सरकारी सन्माना सहित अज उन्हां दा संस्कार ते पहुँचे। मैं अपने वालों परिवार वालों एक दुख प्रगट करता होया, आम आदमी पार्टी वालों साडे माणयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी वालों बड़ा परिवार के नाल दुख दे विच शरीक हुंदा होया अज इस कड़ी दे विच पहुँचा। देश की खातर इन्होंने बहुत लम्मा समा मेहनत की, देश की खातर ही सारे काम किए, कुर्बानी दे गए, बहुत माण है मैं देश की खातर, उन्होंने बहुत कुछ किया। सर मेहनत नाल काम कर ईमानदारी नाल ड्यूटी निभाउण जिस तरह इन्होंने निभाई आ, तो तरक्कियां प्राप्त कर, कामयाबी प्राप्त कर। सूबेदार सुखदेव सिंह नॉर्थ सिक्किम यांगड़ी में पोस्टेड थे और इस वो सुपर हाई एल्टीट्यूड एरिया में आता है, जहाँ की -26 तक टेम्परेचर जाता है। और सूबेदार सुखदेव सिंह को सुबह के वक्त अचानक तबीयत खराब हुआ है और उनका प्लस डाउन होता चला गया है। जय हिंद सर। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के राज्य सचिव सरवन सिंह पंधेर किसान जत्थेबंदियों के साथ श्री अकाल तख्त साहिब पर अरदास करने के लिए पहुंचे। इस दौरान दिल्ली कूच को लेकर सरवन सिंह पंधेर व उनकी जत्थेबंदी की ओर से अकाल तख्त पर अरदास की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे किसी के साथ लड़ने के लिए नहीं जा रहे। उन्होंने कहा कि 60% देश किसानों के सिर पर चल रहा है, इसलिए किसानों को अपने हक मांगने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सारे देश की किसान जत्थेबंदियां उनके साथ हैं। अगर 12 फरवरी को केंद्र सरकार के साथ उनकी मीटिंग कामयाब नहीं होती तो 13 फरवरी को दिल्ली कूच किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी घटना के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ट्रैक्टर किसी की जान नहीं लैंदा, जान तो सरकार दे बैरीकेड लैन गए, सरकार असी अथरू गए, असी नहीं जा, असी तो पीसफुली पिछली बारी पीसफुली गए, हुण भी ट्रैक्टर तो असी डीसी दफ्तर गाड़ी लियाउने आ, हर थान ट्रैक्टर कटदे आप दे। तो भी ट्रैक्टर लैके जाओगे ना? देखो जाया ही ट्रैक्टर टालियां दे जाना वा, उधर जाया नहीं जाना, टकराएंगे ते मुश्किल होएगी। देखो ट्रैक्टर क्यों टकराएंगे जे सरकार ना टकराऊगी, ते क्यों टकराएंगे, असी तो अपने वालों पीसफुली अमन तरीके ना आपदा साहब जेरी जगह वा वो एक पुल है, ए कोई खाली जगह नहीं है, अगर पुल तो भी कोई थले डिगदा तो भी नुकसान है। ठीक है, इता देखो सरकार करनी ना दे अंदोलन, सरकार मंगा मन लवे कम निबड़ जावे, नहीं मंदी ते फिर ओदे ते देखो इह अज नहीं ना कह सकदे, अज नहीं ना कह सकदे, जबरदस्ती अपनी गल्लां साडे मुंह ते 12 दी मीटिंग तो बाद पता लगदा। की लगदा तुहानूं कल दे इक मीटिंग रह गई है, की रवैया की लगदा? देखो सरकार असी अपने वल्लों पॉजिटिव है, साडा काम है जदों सरकार गल्लबात लई सद्दूगी असी उहनां नूं एक एक गल बड़े प्यार ना अंप्रोमन ढंग ना चंगे माहौल दे विच दसांगे वी साडियां आह देश दे किसान मजदूर दीआं समस्यां मनना नहीं मनना उहनां दी मर्जी है।
श्री गुरु रविदास जी महाराज के 647वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में श्री गुरु रविदास मंदिर कटरा मोहल्ला बस्ती दानिशमंदा जालंधर में से 9 फरवरी से 22 फरवरी तक प्रभात फेरियां निकाली जा रही हैं। इसी श्रृंखला में तीसरी प्रभात फेरी मंदिर प्रांगण से निकालेगी, जिसका शुभारंभ रतन ब्रदर्स के मालिक एवं मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान मदन लाल खिंदर के सुपुत्र विशाल खिंदर और अनुराग खिंदर ने विशेष रूप से उपस्थित होकर दीप प्रज्वलित कर किया। ये प्रभात फेरी इलाके की परिक्रमा करते हुए सर्वप्रथम बस्ती दानिशमंदा स्थित सतपाल पाला के निवास स्थान पर पहुंची, जहां पर सचिव सतपाल पाला के पारिवारिक सदस्यों की ओर से पुष्प वर्षा कर इस प्रभात फेरी का स्वागत किया गया, जिसके पश्चात ये प्रभात फेरी अलग अलग इलाकों से होते हुए रवि कुमार सारंगल के निवास स्थान पर पहुंची, जहां पर रवि कुमार के पारिवारिक सदस्यों ने इस प्रभात फेरी का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर प्रधान मदन लाल खिंदर, सचिव सतपाल पाला ओम प्रकाश लोच, वाइस चेयरमैन स्वर्ण यादव, महेश अंगुराल, अमरनाथ, कैशियर बलबीर लोच, विजय पाठी, सौरभ वसन, चमन पाठी, गुरदयाल पाठी, अजय डालिया, चरणदास कलसी, पवन कुमार, रूबी, जंग बहादुर, जैकी, कमल डालिया, लकी, स्त्री सत्संग सभा की प्रधान दयावंती, सचिव कृष्णा देवी, संतोष, रमा, जसबीर, उषा लोच, शोभा मीनिया, अरुणा लोच, राजरानी, विमला, विष्णु, कुसुम रानी लोच, कांता, बॉबी सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। Thank you.
ग्राम टेक्सटाइल एजेंसी की ओर से जालंधर के बस्ती अड्डा चौक के नजदीक बुड्ढा स्पोर्ट्स एनक्लेव में सियाराम हाउस नामक नए शोरूम का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन सियाराम सिल्क मिल्स के सीएमडी रमेश पोदार ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर रिबन काट कर किया। इस दौरान उनके साथ उनकी धर्मपत्नी आशा पोदार और डायरेक्टर गौरव पोदार भी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर विनोद सोनी, राजेश सोनी, अभिषेक सोनी, अशोक तोरका, विश्वजीत झा, नरेश वधवा भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की। सियाराम टेक्सटाइल विनोद जी और उनका पूरा परिवार जब से सियाराम कंपनी खुली है तब से हमारे साथ में है, और आज बहुत ही खुशी की बात है कि इन्होंने एक बहुत शानदार रूप से ये नई जगह में ओपनिंग कर रहे हैं, और सियाराम के पूरे परिवार से, इनके पूरे परिवार को और इनके फर्म को, सियाराम टेक्सटाइल को हम दिल से बहुत बधाई देते हैं और प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि आने वाला जो समय है आपके लिए बहुत ही उन्नतिमय हो और पूरा परिवार आपका हमेशा प्रसन्न रहे, पूरा सियाराम परिवार प्रसन्न रहे, आपका आगे का परिवार प्रसन्न रहे, यही प्रभु से प्रार्थना है। और जो आज का सिचुएशन चल रहा है मार्केट का, उसको देखते हुए ब्रांड का बहुत बड़ा चलन है, इनका बहुत अच्छा सेटअप है यहाँ पर रिटेल का, बहुत सारे रिटेलर्स आज यहाँ आने वाले हैं जो इन्होंने अच्छा डिस्प्ले किया है, तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नहीं, ये हमारा यहाँ पर जो जितने MBO हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। मैं रितेश सोनी, सियाराम टेक्सटाइल की तरफ से। हम लोगों ने ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, जो पंजाब में जितने भी रिटेलर्स लोग हैं, जो कपड़ा व्यापारी हैं, उनके लिए यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप तैयार किया है, जिनको आज के टाइम पर फैशन के हिसाब से टाइमली चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। सियाराम कंपनी के साथ हमें जुड़े बहुत साल हो गए हैं, शुरू से हम सियाराम का काम कर रहे हैं। सियाराम में भी बहुत लेटेस्ट चीज़ें और लेटेस्ट वैरायटी आती है, सीज़न के हिसाब से भी और फैशन के हिसाब से, और हमारी ये कोशिश रहती है कि जितने भी नॉर्थ इंडिया में हम जितने भी रिटेल सेंटर्स हैं उनको टाइमली अच्छे टाइम पे और अच्छे रेट्स पे अच्छी वैरायटी प्रोवाइड कर सकें। देखिए, सियाराम खास तो अलग शुरू से ही रहा है, क्योंकि अपनी वैरायटी के तौर पे भी, अपने रेट्स के तौर पे भी और अपडेशन के तौर पे भी, और सबसे बड़ी बात जो है वो टाइमली जो गुड्स हैं या माल है वो प्रोवाइड करने में। हमारे पास स्टॉक हमेशा रहता है, इतना स्टॉक नॉर्थ इंडिया में शूटिंग शर्टिंग में कोई भी लेके नहीं चलता जितना स्टॉक, और अगर हम आज के दिन भी कहें कि इतना कोई गुड्स चाहिए या माल चाहिए, वो सियाराम ही प्रोवाइड कर सकता है। इसकी वजह से सियाराम लीड कर रहा है। श्री कालिका धाम ज्योतिष विद्यालय में दिव्य ज्ञान दुख निवारण चंडी महायज्ञ किया गया, जिसमें मां महाकाली का दिव्य झूला लगाया गया। इस मौके पर धाम के संस्थापक ज्योतिषाचार्य इंद्रदेव बबलू पंडित ने बताया कि हर शनिवार को साई 6 बजे यज्ञ शुरू होता है, जिसमें दूर दूर से भक्त अपनी हाजिरी लगाकर अपने कष्टों से मुक्ति पाते हैं। इंद्रदेव बबलू पंडित ने कहा कि नकारात्मक सोच हमेशा दुखी ही करती है, जबकि सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति बुराइयों में भी अच्छाइयां ढूंढ ही लेता है। इस अवसर पर धाम के मुख्य सेवादार संजीव शर्मा, कुकन रोहित, रणदेव, रणबीर राणा, देसराज शर्मा, हरप्रीत सिंह, साहिल गग्गू, विशाल गिल, अतुल कनौजिया, राकेश लक्की, अजय सिंह, हरिओम शास्त्री, संजय शास्त्री, पंकज शास्त्री, गीता, प्रीति, कोमल, सोनिया, रत्ना, शैली शर्मा, ईशा शर्मा, पूर्वी शर्मा, संजय शर्मा, अंजू शर्मा, सोनू शर्मा, सृष्टि, सुमित, बिनी, ज्योतिषाचार्य गौरव, गग्गू, साहिल, पंडित पंकज, पंडित हरिओम, पंडित सुशील सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट।
सेवादार कालिका धाम ज्योतिष पृथ्वी नगर किशनपुरा जो हमारे यहाँ पर आचार्य इंद्रदेव बबलू जी पंडित जी के द्वारा यहाँ पर साप्ताहिक दुख निवारण महाचंडी यज्ञ किया जाता है और यहाँ से बहुत दूर दूर से भगत जन आकर माता रानी की हवन में आहुति डालकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज हिमाचल से हरियाणा से यूपी से बहुत दूर दूर से संतों ने आकर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया और यहाँ पर हर दुखों से मुक्ति मिलती है। मेरी सभी भक्तों से यही निवेदन है कि आप एक बार कालिका धाम में आकर माता रानी की आहुति डालें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें और हमारे आचार्य इंद्रदेव बबलू जी से मिलें और अपने सभी कष्टों से मुक्ति पाएं। नमस्कार, जय माता दी। मैं आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ कालिका धाम ज्योतिष से। जैसे आप सब जानते हैं कालिका धाम ज्योतिष में दुख निवारण चंडी महायज्ञ हर शनिवार सायंकाल में किया जाता है। लगभग 3.5 वर्ष हो गए हर शनिवार को माँ चंडी के प्रताप से माँ चंडी का यज्ञ किया जाता है, जिसमें बहुत सारे भक्तजन अपने पंजाब से दूर से भी आके बहुत सारा उपाय पूजन पाठ सब कुछ करते हैं और माँ की इतनी ऐसी होता है, इतनी महिमा है कि बहुत जल्दी कल्याण होता है। देखो, भगवान हर जगह होता है लेकिन जहाँ हर रोज़ मंत्र जाप, आवाहन, तप, यज्ञ ये सब कुछ हो तो वहाँ पर दिव्य एनर्जी अपने आप आया करती है। तो कालिका धाम में महारानी माँ काली की पूरी पूरी कृपा है। तो आप चंडीयक में जरूर आकर अपना कल्याण कर सकते हैं। बाकी अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं समय लेकर के जरूर मिल सकते हैं, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि मुझसे मिलने की भी ज़रूरत इतनी नहीं है कि माँ चंडी इस दरबार में इतना प्रताप है उस महाकाली का कि आप वहाँ पर दर्शन करके अपने जीवन को बना सकते हैं। ये अनुभव है, एक्सपीरियंस है, और लोगों का भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता। जो साढ़े इंद्रदेव तिवारी बबलू पंडित जी 3 साल तो निःशुल्क हवन यज्ञ करा रहे हैं, वो दूरों दूरों संगत आके अपन झोलियाँ भरवादी है ते महामाई का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो असं सारियां पंजाब वासियां देश वासियां कहांगे कि माता राणी का आशीर्वाद आके लिता जाए। जय माता। पंजाब पोल्ट्री कारपोरेशन के पूर्व चेयरमैन जगदीश अरोड़ा की धर्मपत्नी इंदिरा अरोड़ा जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जाविराजी हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु भोग एवं अंतिम अरदास गीता मंदिर अर्बन एस्टेट फेज 1 जालंधर में की गई। इस मौके पर पंडितों ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय इंदिरा अरोड़ा की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर पारिवारिक सदस्यों में बेटा नितिन अरोड़ा, आरती अरोड़ा, गौतम अरोड़ा, शालिका अरोड़ा, सुदेशी लाल पुजारा, अविनाश अरोड़ा, चंद्र प्रकाश सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय इंदिरा अरोड़ा को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। Oh,
के एक ऐसे सदस्य का चले जाना अचानक ये बहुत बड़ी दुख की घटना। इस परिवार ने हमारे स्वर्गीय दादाजी श्री अमर दत्ता मन गुजारा जी और उसके बाद मेरे पिताजी स्वर्गीय लाला राम सरदास जी जिन्होंने जलंधर नगर पालिका के प्रधान के रूप में शहर की सेवा की, स्वर्गीय चाचा सेवाराम अरोड़ा जी जिन्होंने अमृतसर से विधायक बनकर और सरदार बिरन सिंह जी के साथ प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी बनकर सारे पंजाब में आतंकवाद के दौर में हर ठिकाने पर जहां कोई नहीं जाना चाहता था उस समय आतंकवाद के दिनों में वो उनके साथ सारे पंजाब में शांति स्थापित करने के लिए जाते रहे। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर के राम तीरथ के नजदीक खेत में से एक नौजवान की सिरकटी मिली लाश, पुलिस जांच में जुटी। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने हनी ट्रैप के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़, 3 महिलाओं सहित एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। माहिलपुर के चावला क्लॉथ हाउस की दुकान के बोर्ड पर मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों ने 12 राउंड किए फायर, 5 करोड़ की फिरौती की मांग। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।